एवरीवन, दिस इज पंकज चौहान एंड यू आर वाचिंग मैथ्स फॉरएवर। दिस इज पार्ट टू ऑफ क्लास फिफ्थ सुपर सिलेबस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमरल में कोमा प्लेस करके लिखना। इस क्लास में हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूमरल का नेम लिखना, न्यूमरल की नेमिंग करना, मींस फिगर्स से वर्ड्स में लिखना। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 800300072। ये क्वेश्चन आ जाता है। सपोज करिए आपसे बोला क्या जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा होगा नेम द गिवन न्यूमरल, नेम द गिवन न्यूमरल, या तो सिंपल इतना लिखा होगा या फिर लिखा होगा नेम द गिवन न्यूमरल एज पर इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को नेमिंग करना है या फिर लिखा होगा राइट द गिवन न्यूमरल इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है इसको, ठीक है। और इंडियन सिस्टम नहीं भी बोला है तो भी आपने क्या करना है, उसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखना है सिंपल। अब देखिए इंडियन सिस्टम में लिखने से पहले आपको करना क्या है, न्यूमरल में कोमा प्लेस करने हैं, मींस पीरियड्स को सेपरेट करना है। क्या करना है, पीरियड्स को सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट 3 digits के बाद में कोमा आ जाएगा सिंपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू डिजिट्स सिंपल, ये आप कर दोगे। अब देखिए ये आपका पीरियड्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ऐसा कोई पीरियड है जिसमें सारी की सारी जीरोज हैं, तो आप देखोगे ये वाला जो पीरियड है इसमें सारी की सारी जीरोज हैं, तो इसको आपने क्या कर देना है, कट कर देना है सिंपल। इसके बाद में क्या करना है, आपने पीरियड्स को नेम कर देना है, पीरियड्स को नेमिंग कर देनी है। और जो पीरियड हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर नेम नहीं लिखना है, उसका नेम स्किप कर देना है, ठीक है। क्या करोगे आप, वंस, थाउजेंड्स, लैक नहीं लिखना है, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका करोड़, सिंपल, ठीक है। बहुत इजी है, स्टेप्स आप फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूं, इजीली आप नेम लिख सकते हैं। लेकिन करना क्या है, लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट करना है, लेफ्ट से आप नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 8, उसके बाद में करोड़, पहले नंबर लिखा जाएगा फिर क्या लिखा जाएगा, उसका पीरियड लिखा जाएगा, ठीक है। 8 crore, क्या लिखोगे, EIGHT, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है ना, तो 8 crore। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, इसको कट कर दिया था, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, 30,000, आप लिखोगे 30,000। इसके बाद में आप देखोगे क्या है, 072 मीन्स 72। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पीरियड का कभी भी नेम नहीं लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या लिखोगे इसको, सिर्फ और सिर्फ आप 72 लिखोगे, 72 वंस नहीं लिखोगे, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 72। एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने करना क्या है, देखिए 8 crore जो कट हो गया था पीरियड उसको भूल जाना है, उसके बाद में 30,000, इसके बाद में नॉर्मल 72, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पीरियड है उसका कभी नेम नहीं लिखा जाता, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, आपसे बोला जाएगा नेम द गिवन न्यूमरल, नेम द गिवन न्यूमरल। और दूसरी चीज, इस बार ना न्यूमरल में कोमा प्लेस करके पहले से ही आपको दे रखा है, तो ये और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। बस आपने ये देख लेना है कि किस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके कोमा लगे हुए हैं। तो आप देखोगे 3 के बाद में कोमा, फिर 2 के बाद में, फिर 2 के बाद में, इट मीन्स इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो नेमिंग भी इसकी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, ऐसा कोई पीरियड दिख रहा है आपको जिसमें सारी की सारी जीरोज हैं, ये दिख रहा है, इसको कर दिया आपने कट, ठीक है। इसके बाद में पीरियड्स के नेम लिख लेने हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक, करोड़, सिंपल। इसके बाद में इधर से नेमिंग करना स्टार्ट कर देना है, क्या लिखा हुआ है, 20, नीचे नंबर लिखा होता है, नंबर का नेम लिखो, फिर उसके बाद में पीरियड का नेम लिखो, 20 crore, क्या लिखोगे आप, 20 crore। इसके बाद 35 lakh, क्या लिखोगे, 35 lakh। नेक्स्ट पीरियड आपका कट हो गया था, इसका कोई रोल नहीं है, आगे क्या लिखा हुआ है, 302, ठीक है, इसका नाम नहीं लिखा जाता, ये चीज ध्यान रखना, जो नंबर है सिर्फ वो लिखा जाएगा, 302, इसको आपने लिख देना है, 300, सिंपल ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, 3000, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नेम करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले कोमा प्लेस कर लोगे, मतलब पीरियड्स को सेपरेट कर लोगे, 3 digits के बाद में कोमा, फिर 2 digits के बाद में कोमा, ठीक है। इसके बाद में जिस जिस पीरियड में आपके क्या हो, सारी की सारी जीरो जो, उसको आपने कट कर देना है,
इसमें सारी जीरोस थी, तीनों के तीनों डिजिट्स होते हैं वो जीरो थी, कट कर दिया ठीक है। इसमें सारी जीरोस थी कट कर दिया, इसको कट नहीं करना है क्योंकि इसमें सारे डिजिट्स जीरो नहीं है ठीक है। उस पीरियड को कट करना है जिसमें सारे के सारे डिजिट्स क्या हो आपके जीरो हो ठीक है। इसके बाद में वंस हो गया, थाउजेंड्स हो गया, लैक ठीक है। जो क्रॉस कर दिया था उस पर नाम नहीं लिख रहे, इस चीज का ध्यान रखना ठीक है। आप क्या लिखोगे, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, क्या दिख रहा है आपको 30 लाख, क्या लिख रहे हैं 30 लाख। इसके आगे किसी भी पीरियड को नेम करना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि सारी पीरियड्स इसके आगे क्रॉस्ड हैं, सारी की सारी जीरोस थी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो काफी सिंपल है, आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप इजीली किसी भी न्यूमरल को नेमिंग कर सकते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इनका आंसर आपने निकालना है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फटाफट, 3007 2015। देखिए क्वेश्चन हो गया होगा सभी का सॉल्व, आपने क्या किया पहले इसमें कोमा प्लेस कर देना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ठीक है। 2 के बाद में फिर 2 के बाद में ठीक है, आपने नेमिंग की, ये आपका वंस हो गया, ये आपका थाउजेंड, लैक एंड करोड़। ऐसा कोई पीरियड जिसमें सारी जीरोज हो कर देना है कट, इसमें दोनों जीरोज थी कट कर दिया सिंपल ठीक है। और इधर से आपने नेमिंग करना स्टार्ट कर देना ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे इस पीरियड में, क्या है 3 करोड़, क्या लिखोगे आप 3 करोड़ ठीक है। नेक्स्ट ये कट हो चुका था, आगे चलते क्या लिखा हुआ है 72, क्या लिखा हुआ है 72 और पीरियड का नाम क्या था थाउजेंड, 72,000 ठीक है। नेक्स्ट पीरियड आता है आपका 015 means 15 और इसका नाम तो हम लिखते ही नहीं है, ध्यान रखना ठीक है। क्या लिखोगे आप 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन ये रहा 3002050 ठीक है। इस पर न्यूमरल में पहले से ही कोमास लगे हुए हैं तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया आपके लिए ठीक है। एक तो आपको ये पता चल जाएगा किस सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, दूसरी चीज आपको पीरियड्स में सेपरेट करने की जरूरत नहीं है ठीक है, पहले से ये किया हुआ है। अब देखिए इसमें सारी जीरोज थी, इसको कट कर देना है। और कोई ऐसा पीरियड जिसमें सारी जीरोज हो तो कोई नहीं है ठीक है, बाकी में नेमिंग कर देना। वंस कट चुका है, आगे आता है थाउजेंड्स, ये आपका लैक और ये आपका करोड़ ठीक है। इधर से करना स्टार्ट करना है, इस पीरियड में क्या लिखा हुआ है 30, पीरियड का नाम क्या है करोड़ ठीक है 30 करोड़। नेक्स्ट पीरियड में क्या न्यूमरल है 2, 02 मींस 2 ठीक है 2 लाख। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 05 मींस 5000, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है सॉल्व हो गया होगा, आपने क्या किया होगा पीरियड्स में सेपरेट कर दिया होगा ठीक है, कोमा लगा करके ये कर दिया होगा आपने। इसके बाद में इसमें सारी जीरोज है कट कर दिया, इसमें सारी जीरोज है कट कर दिया, इसमें सारी जीरोज है कट कर दिया, फिर हमने पीरियड्स को नेम करना है। ये आपका वंस हो गया, थाउजेंड्स, लैक ठीक है, करोड़। जो कट कर दिया था उस पर नेम लिखना जरूरी नहीं होता ठीक है। क्या लिखोगे 1 करोड़, क्या लिखोगे 1 करोड़, और ये ही इसी का फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि आगे के सारे पीरियड्स क्या है आपके क्रॉस्ड है ठीक है, कट हो चुके हैं। आई होप कि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूमरल का नेमिंग कर सकते हो, किसी भी न्यूमरल को वर्ड्स में लिख सकते हो और आप अपनी बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो।